हज मैदान में उतरना ग्यारह लेकिन दिखना सिर्फ एक। मालूम है मेरा शाहरुख भी मिक्स हो गया इसमें, बट ठीक है यार, चलो पेल दो मेरे को कमेंट में। लेकिन अजय देवगन की मैदान मूवी देख कर आ रहा हूं, जो कि बायोपिक है सैयद अब्दुल रहीम सहित। ये कहानी अपने गोल्डन इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री की। 3 घंटे की लंबी ये फिल्म सेम फुटबॉल मैच जैसी रहती है, जिसमें एक हाफ टाइम आता है, वैसे इसमें एक इंटरवल आता है, लेकिन फिल्म पे इंटरेस्ट पूरा का पूरा 3 घंटा रह जाता है। अब देखो, ये वो बायोपिक है जिसमें बिना किसी फाउल प्ले के, यानी कि बिना किसी मसाला ऐड किए हुए, राइट सेंस में रियल रखते हुए बनाया, जो सीधा ऑडियंस के लिए गोल साबित होगा। अब अगर मैं इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतने कहूंगा कि मैदान इज एन एक्सीलेंट बाइसिकल किक शॉट ऑन लास्ट मिनट विदाउट एनी एक्स्ट्रा टाइम गेटिंग वेस्टेड इन इट। आप लड़कियों से खेलना बंद करके फुटबॉल खेलना शुरू कर दो कि इतनी बेहतरीन फिल्म बनी है फुटबॉल पे। एवरी बॉल लवर, सॉरी फुटबॉल लवर विल डेफिनेटली लव दिस फिल्म। ट्रस्ट मी, पीपल वेर क्लैपिंग चीयरिंग एट द क्लाइमेक्स, वो भी दिल खोल के। बस वहीं पर ये 3 घंटे की फिल्म होते हुए भी जीत जाती है। और फिल्म के फर्स्ट हाफ में दिखाई गई जर्नी काफी डिफिकल्ट से नजर आती है, जहां पर रहीम साहब को इंडिया को ओलंपिक ले जाना था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भाई कुछ बड़ा हासिल करने के लिए पहले अपनों से ही लड़ाई लड़ी जाती है। वही फिल्म के सेकंड हाफ में अजय देवगन को रेड कार्ड मिल जाता है, यानी कि उनको लंग कैंसर रहता है, लेकिन वो खांसते हुए भी अपनी जंग जारी रखते हैं। सेकंड हाफ के अंदर जितने भी फुटबॉल मैचेस दिखाए, वो मानो आप स्टेडियम के अंदर बैठ के देख रहे हो, इतना कनेक्टिंग लगता है। देखो, अब एक प्रॉपर फुटबॉल मैच शूट करना वो भी एकदम क्लियर बहुत ही टफ होता है, लेकिन फिल्म कॉर्नर किक अटेम्प्ट यूज करते हुए टेक्निकली वेल शॉट नजर आती है, इतना ब्रिलियंट। लास्ट के मैचेस में तो मानो कैमरा पैरों में बांधे हो, वैसा वैसा टेक देखने मिलता है। प्लस 1950-1960 के उस एरा को देखकर आप सिनेमाटोग्राफी को दाद दे दोगे, आप बोल दोगे कि यार फिल्म भले ही स्ट्रगल की बनने को, लेकिन कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करता हुआ नजर नहीं आया। वहीं एआर रहमान लॉन्ग शॉट बॉल से हेडर अटेम्प्ट करते हुए अपने बीजीएम से फिल्म को सीधा गोल करते थे। आई मीन ही इज जीनियस, क्या स्कोर था। फिल्म के परफॉर्मेंस की बात करूं तो पूरे कास्ट ने मानो एक भी पेनल्टी शूट आउट वेस्ट नहीं किया हो, इतना मजेदार काम किया। वहीं स्ट्राइकर ऑफ द फिल्म अजय देवगन की बात करूं तो जैसे स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, बट अजय देवगन का परफॉर्मेंस इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। बंदे ने 50 सिगरेट पिए फिल्म में, लेकिन धुआं निकाल दिया सामने वाले टीम की। अब फिल्म बायोपिक होते हुए भी मेरे को अलग इसलिए लगी क्योंकि फिल्म में कोई रूटीन ड्रामा नहीं था कि जैसे मैच के पहले लंबा लंबा स्पीच हो, बिल्डअप के लिए कोई मसाला ऐड किया हो, थ्रिल के लिए ज्यादा स्लोमो डाला हो, ये सब नहीं है, यही बेस्ट चीज था। इनफैक्ट फिल्म खत्म होने के बाद आपको इस फिल्म का इतिहास चुभेगा भी कि साला 64 ईयर्स हो गए, लेकिन हमने आज तक वो अचीव नहीं किया जो उस बंदे ने उस कंडीशन में ख्वाब देखकर इंडिया को ओलंपिक पहुंचाया था, जिताया था। ओवरऑल मैदान इज अ लवली क्लास फिल्म। अगर आप फुटबॉल लवर ना भी हो तो भी आप इस फिल्म को सेलिब्रेट करोगे। साला फिल्म ने तो चुम्बन चाटी भी करने नहीं दिया कपल को, क्योंकि इतना एंगेज का माहौल बन गया था थिएटर में। मैं मैदान को दूंगा 4 out of 5 star। बाकी अजय देवगन को भी मालूम है कि क्लैश है तो क्या हुआ, गुड फिल्म्स वोंट गेट अफेक्टेड बाय एनी क्लैश। इसके लिए अजय देवगन स्मार्ट कहलाता है, उसको मालूम है कि भाई अच्छा फिल्म करते जाओ, ज्यादा उम्मीद लालच भी मत करो, और काम ऐसा करो कि लोग शिकायत भी ना करें। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।